हाय फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाया है कि अभी जो नया फॉर्म आया है ताकि कंपनीज की COVID-19 यानी कोरोना वायरस के प्रति कितनी प्रिपेयर्डनेस है हम उसको जान सकें। तो वो फॉर्म हमें कैसे भरना है अपनी एमसी की वेबसाइट पे ये डिस्कस करने के लिए बनाया है। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे ये COVID-19 का एक टैब इनिशिएट हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जब तो ये आपको अपने आप और उस फॉर्म की तरफ ले चलेगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपकी कंपनी है तो सिन आएगा, अगर फॉरेन कंपनी है तो FCRN, अगर आपकी डोमेस्टिक LLP है तो LLPIN, अगर आपकी फॉरेन LLP है तो आपका FLLPIN। इन सब में से किसी एक पे सेलेक्ट करना होगा। तो अगर मैं इस सब के पीछे गवर्नमेंट की मंशा जानना चाहूँ तो उनकी मंशा ये है कि एटलीस्ट जो हमारा एक कॉर्पोरेट सेक्टर है वो तो COVID-19 को लेके प्रिपेयर्ड रहे। तो मेरे केस में मेरी डोमेस्टिक कंपनी है तो मैंने सिन लिख के रखा है, ये मेरी कंपनी का सिन है। आप सिन पहले से लिख के रख सकते हैं, ये मैंने यहाँ डाल दिया। जब मैं सिन डाल के प्रीफिल पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा सारा जो डेटा है वो प्रीफिल हो गया। इसमें मुझे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादातर डेटा मेरा प्रीफिल होगा। मुझे सिर्फ यहाँ पे यस और नो पे टिक करना है। तो सबसे पहले तो मेरे से ये सवाल पूछा गया है कि क्या मेरी कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अपना ली है इन कंप्लायंस विद COVID-19 गाइडलाइंस। यस, मेरे केस में हाँ उसने अपना ली है। बेसिकली अभी इस इनिशिएटिव के तहत एमसीए चाहती है कि कंपनीज वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अपनाएं एटलीस्ट तब तक जब तक इस डिजीज का कोई इलाज नहीं मिल जाता, ताकि फिजिकल इंटरेक्शन कम हो और इसका स्प्रेड हम रोक सके। उसके बाद मेरे केस में मेरे ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो डायरेक्टर हैं। अब किसी कंपनी से केस में वो पैन भी हो सकता है और यहाँ पे मेंबरशिप नंबर भी आ सकता है। पैन से मैं ये मतलब समझती हूँ फ्रेंड्स कि बहुत बहुत बारी ऐसा होता है कि जो CS होता है कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, उस केस में यहाँ पे पैन आता है या फिर उसका मेंबरशिप नंबर आता है। अच्छा, मेरे केस में यहाँ पे डिन है, मैंने डिन नोट करके रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डिन डाल दिया। दिन डाल के जब मैं प्रीफिल करती हूँ तो जो डायरेक्टर का मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर जो मैंने KYC के टाइम पे दिया था वो आ जाता है। इस मोबाइल नंबर के ऊपर आपका OTP जाएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया सेंड OTP। इसके बाद मेरा OTP उनके नंबर पे चला गया। जब OTP चला जाता है तो मैं यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई OTP करके इसको सबमिट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे एसेट कुछ भरने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रीफिल है। मुझे सिर्फ एक गवर्नमेंट को आंसर देना है कि हाँ मैंने एज पर COVID-19 वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अपनी कंपनी में एप्लीकेबल करा ली है। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।